वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेंस बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, सपोज कर लीजिए आपके पास दो वैक्टर है पी और क्यू। पी है हम लोग पी वैक्टर को हम लोग ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और Q को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं OB से। ठीक है, तो सपोज के लिए दो वेक्टर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट O है हमारा, और ये दोनों को हम लोग अगर हम लोग ऐड करेंगे या रिजल्टेंट देखेंगे तो ये दोनों को हम लोग एक क्या कर सकते हैं, एक पैलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड कंसिडर कर सकते हैं, और जो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा R, जिसको जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा डायगनल बनेगा कॉमन पॉइंट से जो पास कर रहा है, सपोज कर लीजिए इसको OC। तो ये बेसिकली कह रहा है इसको। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे क्या होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं AD, ये D पे जाके मीट कर रहा है CD। तो अब हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा दोनों पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल होगा, हम लोग एंगल उसको एज्यूम कर रहे हैं अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये पैलोग्राम है तो ये दोनों एंगल एंगल BOC एंगल BOA एंगल इक्वल्स टू एंगल CAD, ये क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और क्योंकि ये साइड OBQ है और क्योंकि ये पैलोग्राम है तो OB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, तो ये भी Q हो जाएगा, तो हम लोग AC को भी हम लोग Q बोल सकते हैं। ये हम लोग अभी स्टोर कर ले रहे डेटा, मैग्नीट्यूड में फाइंड करने में आसानी होगी। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OCD। हम लोग इन ट्रायंगल OCD हम लोग कुछ कुछ वैल्यू देखेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का OC² OD² प्लस DC² होगा। OCD में आपका यहाँ पे 90 डिग्री, तो आप हाइपोटेनियस थ्योरम यूज़ करेंगे। OC² हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है सम का, यही हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए सपोज के लिए R हमारा है, तो अब हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, अब R², अब इसमें हम लोग ये OCD, फिर से हम उसी ट्रायंगल हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं OA और AD में। तो OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ये हम लोग इसको छोटा किए हैं, ठीक है, बड़ा किए हैं, फिर इसको हम लोग DC² को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि OA का वैल्यू क्या है, पहले इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। OA² प्लस AD² प्लस 2 OA इंटू AD, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, आप वो अज्यूम करके रखें, आप उसको इग्नोर ना करें। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, OA का वैल्यू क्या है, P है, P² लिख दिया सपोज, तो हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे OA का वैल्यू है P². अब AD हम लोग देखिए, अब कुछ ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ACD में कॉस अल्फा हमको AD नहीं पता है, हमको पता है ये अल्फा है और इसका वैल्यू क्यू है, तो हम लोग AD को सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा Q² cos² अल्फा। ठीक है, और 2 OA AD, फिर अब हम लोग इसको भी सब्सिट्यूट करेंगे, 2 OA का वैल्यू है P, तो 2 P, और AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू है Q cos अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये टर्म हो गया है। अब देखेंगे, और हम लोग को CD नहीं पता या DC नहीं पता, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे साइन अल्फा से, तो ये हो जाएगा Q² sin² अल्फा। अब हम लोग देखेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q² कॉमन ले सकते हैं, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा हम लोग का 1 होता है, तो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो सारा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये P² इसी तरह आ जाएगा।
और ये cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा कॉमन पी स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो वो हमारा 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा 2PQ cos अल्फा। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू है, और अगर आपको आर का वैल्यू चाहिए तो आप इसको रूट अंडर कर देंगे तो हो जाएगा। सपोज कर ले, मैं लिख ही देता हूँ, आर इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। तो ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो उसके लिए हम लोग को ये लेना होगा, सपोज कर लिए जो भी डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम लोग फाई लेते हैं OA के साथ, ठीक है, ये एंगल फाई हो गया हमारा, ठीक है, रिजल्टेंट के साथ है, ओके। तो हमने ऑलरेडी लिख चुका है कि फाई हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है अलॉन्ग OA, OA के साथ है, ठीक है, एंगल मेड। तो अब हम लोग ट्रायंगल OCD में जाएंगे, तो हम लोग अब टैन फाई निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग टैन देखेंगे क्या होगा, सपोज के लिए मैं ड्राइंग फिर से कर दे रहा हूँ, OCD ऐसे था, OCD ये A था, तो हम लोग टैन होगा CD बाई OD, ठीक है। हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD का वैल्यू हम लोग निकाले थे, हम लोग साइड में लिखे थे, तो उसका वैल्यू था Q साइन अल्फा, और OD हम लोग दो पार्ट में डिस्प्ले किए थे, OA प्लस AD, तो उसका हम लोग लिखेंगे P प्लस Q cos अल्फा, ठीक है। तो हमारा फाई आ जाएगा टैन इनवर्स Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q cos अल्फा। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हमने फाइनली सब कुछ स्टडी कर लिया, हमारा हमने देख लिया पहले क्रम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लिया, फिर हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी देखा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर लिया। तो अगर आपको फिर भी कोई भी इशू हो या डाउट हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।